Good morning everyone. So this is Rakshita from Lifeline Success. So today we are going to start from class 8 civics chapter number 4, that is understanding laws. So in this chapter we are going to study about many laws which are applied by the government on us. So understanding laws means law matlab kanun. To kanun ko hum log kaise samajhte hai, kis tarah se wo apply kiye jate hai. So this we are going to see in this chapter. So let's start. So first it is said that you may be familiar with those with some such laws such as those that specify the age of marriage. तो आपने बहुत सारे लॉस सुनेंगे, बहुत सारे अपने ऐसे लॉस सुनेंगे टीवी में या न्यूज़ में, कहीं पे भी, मोबाइल पे, कि द स्पेसिफाई द एज ऑफ मैरिज, कि मैरिज की जो एज है वो एक स्पेसिफिक एज, एक स्पेसिफाई एज की गई है 21, एंड द एज एट विच अ पर्सन कैन वोट, और एक और कोई भी एक स्पेसिफिक एज दी गई है कि जिस पर्सन पे, जो कोई भी पर्सन हो, सिटीजन हो, वो वोट कर सकता है, वो 18 एज. देन एंड परहैप्स इवन द लॉज डीलिंग विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी, और सेलिंग और प्रॉपर्टी पे भी बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं. वी नाउ नो दैट द पार्लियामेंट इज इन चार्ज ऑफ मेकिंग लॉज. अभी हमें पता है कि लॉज कौन बनाती है, गवर्नमेंट. लॉज की इंचार्ज कौन हुई, गवर्नमेंट. देन डू दीज लॉज अप्लाई टू एवरीवन, क्या ये लॉज सबके लिए लागू होते हैं, सबके लिए अप्लाई होते हैं? यस. हाउ डू न्यू लॉज कम इन टू बींग, बट अभी सबके लिए लागू होते तो लॉज बनते कैसे हैं? देन कुड दे बी लॉज दैट आर अनपॉपुलर एंड कॉन्ट्रोवर्शियल, क्या ऐसे भी लॉज होते हैं जो अनपॉपुलर है या फिर कॉन्ट्रोवर्शियल है? सो अनपॉपुलर और कॉन्ट्रोवर्शियल के बीच में क्या डिफरेंस है, इस चैप्टर में वो देखने वाले हैं. एंड व्हाट शुड वी एज सिटीजन डू अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, तो ऐसी कंडीशंस, ऐसे सर्कमस्टेंसेस मींस ऐसी कंडीशंस के अंडर बीनीथ व्हाट शुड वी डू, हमें एक सिटीजन होने के नाते हमें क्या करना चाहिए. सो देन दिस इज द पिक ऑफ डूइंग द प्रोटेस्ट. So then if you look afterwards, then that is do laws apply to all. Means क्या ये जो laws है ये सबके लिए लागू होते हैं, सबके ऊपर apply होते हैं? So let's see by an example. So here it is said that read the following situation and answer the following that questions that follows. Means आपको एक situation दी गई और उसके ऊपर आपसे उसके ऊपर based questions पूछे गए. So let's read that situation. That is a government official help his son to go into hiding because his son has been given a 10-year jail sentence by a district court for a crime that he has committed. तो एक जो government official है, तो मतलब उसने अपने जो बेटे उसकी help की है, कैसे, मतलब उसके बेटे ने कोई crime किया है जिसके लिए उसको कितनी years की, 10 years की jail दी गई है, 10 years की jail दी गई है, और इसलिए जो government official है उसने बेटे की help की ताकि वो छुप पाए. Sentence by a district court for a crime that he has committed. तो उसने, उसके बेटे ने कुछ crime किया है तो उसके मतलब इसलिए उसको 10 years की जेल हुई है, और वो गवर्नमेंट ऑफिशियल अपने बेटे की हेल्प करना चाहता है उसको छुपाने में, ठीक है. बट अगर किसी ने क्राइम किया तो उसकी सजा को मिलनी चाहिए. देन अकॉर्डिंग टू लॉज आई एम सीइंग, ओके. देन डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्शंस वर राइट, कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल ने किया क्या वो सही था? बिल्कुल भी नहीं. शुड हिज सन बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द लॉज जस्ट बिकॉज हिज फादर इज अ इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली पावरफुल, क्या उस जो उनका उसका बेटा था क्या उस पर वो लॉ लागू नहीं होते क्योंकि उसके पापा क्या थे, इकोनॉमिकली पॉलिटिकली पावरफुल थे, ठीक है, एक नेता थे या फिर कुछ भी हम कह सकते हैं, ठीक है, तो कोई तो भी पॉलिटिकल पावर उनके हाथ में थी इसलिए उसके बेटे को सजा नहीं मिली, क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं. देन नेक्स्ट इफ वी सी दैट इज द अबव इज अ क्लियर केस ऑफ द वायोलेशन ऑफ अ लॉ, जो ऊपर का केस है वो पूरा किस पे है, पूरा वायोलेशन मतलब लॉ को वायोलेट किया गया है. एज यू रेड इन यूनिट 1 मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर एग्रीड देयर शुड बी नो आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑन इंडिपेंडेंट इंडिया. So here it is said that इसमें बताया गया कि जैसे आपने जो यूनिट 1 में पढ़ा था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो भी मेंबर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया था कि कोई भी आर्बिट्री एक्साइज नहीं होगी, मतलब आर्बिट्री एक्साइज मतलब कोई भी वन साइडेड डिसीजन, ठीक है, वन साइडेड डिसीजन नहीं लिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से. दे देयरफॉर इंस्टीट्यूटेड सेवरल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड एस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ, तो कुछ रूल्स वगैरह बनाए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत सारे लॉज अभी भी लिखे हुए हैं, मीन्स जिनकी वजह से जो गवर्नमेंट को वर्क करना पड़ता है. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस वॉज दैट ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ, तो इन सब
सब में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ है वो क्या था कि सभी पर्सन्स को, सब लोगों को क्या, इंडिपेंडेंट इंडिया मीन्स सब लोगों को एक इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, मीन्स किस पे डिपेंड नहीं, ऐसा इंडिया आर इक्वल बिफोर लॉ. तो वहाँ पे सब लोग क्या है, लॉ के पहले सब लोग इक्वल है, ठीक है, सबको एक ही नजरों से देखा जाता है. मीन्स कुछ भी भेदभाव, कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन, कुछ भी नहीं है. द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन्स ऑन द बेस ऑफ द रिलीजन, कास्ट और जेंडर. तो इसमें बताया कोई भी कानून की तरीके से ऐसा नहीं कि हम मीन्स कुछ लोगों में डिस्क्रिमिनेट करें, भेदभाव करें कि उनके रिलीजन पे, कि हिंदू का है, ये मुस्लिम का है, कास्ट पे, ठीक है, ये ऊंची जात का है, ये नीचे जात का है, जेंडर, बॉय और गर्ल, ओके. सो इसमें डिस्क्रिमिनेट करना इज नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. देन वॉट द रोल ऑफ लॉ मीन्स इज दैट ऑल आर सप्लाई इक्वल टू सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड नो वन कैन बी अबव द लॉ. तो अभी इसका मतलब क्या होता है कि रोल ऑफ लॉ का मतलब मीन्स ऐसे सबको इक्वल, मीन्स हर सिटीजन को इक्वल तरीके से देखा जाए, ठीक है, और कोई भी लॉ के ऊपर नहीं होता. देन नाइदर अ गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉर अ वेल्दी पर्सन नॉर इवन द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इज अबव द लॉ. ना ही कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल या वेल्दी पर्सन मतलब कोई भी बहुत ज़्यादा अमीर आदमी, ना वो और ना ही यहाँ तक प्रेजिडेंट भी नहीं लॉ के ऊपर नहीं हो सकते. Then any crime or violation of law has a specific punishment as well as processes through which the guilt of the person has to be established. Means अगर कोई भी crime या कोई भी किसी ने कोई crime किया है या फिर कोई law को violate किया, means कोई भी law को तोड़ा है, तो उसको कोई भी एक punishment दी जाती है, कोई भी एक specific punishment दी जाती है, ताकि मतलब जिसने वो crime किया उसको अपनी गलती का, means उसको guilt feel हो, उसको अपनी गलती का पता चले, realize हो. Then but was it always like this? क्या हमेशा ऐसा होता है? हमेशा तो नहीं होता, आज के ज़माने में ऐसा होना मुश्किल है, ठीक है. But then also in this chapter it is written, so we have to read only. Then in ancient India there were innumerable and often overlapping local laws. तो means पहले के इंडिया में, ancient India, पहले के इंडिया में क्या, बहुत सारे मतलब innumerable means बहुत ज़्यादा means जितना इनका count भी नहीं कर सकते, उससे भी ज़्यादा और लोकल लॉज, ठीक है, लोकल लॉज बनाए गए थे. द डिफरेंट कम्युनिटीज इंजॉयड डिफरेंट डिग्रीज ऑफ ऑटोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग दीज लॉज. मीन्स अलग अलग कम्युनिटीज ने अपने अलग अलग लॉज बनाए, ठीक है, सब ने अपने अपने मीन्स जैसे कोई हिंदू है तो हिंदू ने अपने रूल्स बनाए, लॉज बनाए, कोई मुस्लिम है तो उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए अलग लॉज बनाए. Then in some cases the punishment that two persons received for the same crime varied depending on their caste backgrounds. With lower caste being more harshly penalized. मतलब कुछ केसेस में क्या होता है कि अगर कोई भी दो लोगों को पनिशमेंट, सेम पनिशमेंट मीन्स उन्होंने सेम क्राइम किया है, तो उनकी पनिशमेंट कैसे डिपेंड करेगी, उनकी कास्ट बैकग्राउंड पे. अगर कोई लो कास्ट का हो तो उसको ज़्यादा हार्शली मीन्स उसके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी, उसको पनिशमेंट भी, सेवर पनिशमेंट दी जाएगी. तो ये किस पर डिपेंड हो रहा है, कास्ट के बेसिस पे. यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. दिस स्लोली बिगेन टू चेंज एज द सिस्टम ऑफ लॉ बिगेन टू फर्दर इवॉल्व ड्यूरिंग द कॉलोनी पीरियड. तो अभी इसमें और क्या चेंजेस हुए, धीरे धीरे चेंजेस होने लगे जब कॉलोनियल पीरियड आए, तो जब मीडियम पीरियड आए, तो ठीक है. देन आफ्टर दैट इट इज ऑफन बिलीव्ड दैट इट वाज द ब्रिटिश कॉलोनिस्ट हु इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया. तो ये तो हम सब जानते हैं कि जो जब ब्रिटिश पीरियड था तब जाके इंडिया में रूल ऑफ लॉ आया था. Then historians have disputed this claim on several grounds. फिर जो बहुत सारे historians थे तो उन्होंने क्या है means इसको claim नहीं किया था, इसको dispute कर दिया गया था. Dispute मतलब according to the sentence it means to fight against this, means इसके ऊपर बहुत ज़्यादा means जो law of rule of law है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा fight करना, बहुत ज़्यादा झगड़े करना, तो मतलब बहुत सारी अलग अलग ऐसी situation बनाना ताकि ये means rule of law successful नहीं हो पाए. Then two of which include, उनमें से जो दो के एग्जाम्पल दिए गए, फर्स्ट दैट कॉलोनियल लॉ वॉज आर्बिटरी. जो कॉलोनियल लॉ था वो आर्बिटरी मतलब वन साइडेड था. और सेकेंड दैट द इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्पीयर इन ब्रिटिश इंडिया. और दूसरा रीज़न क्या था कि मीन्स जिस तरीके से जो इंडियन नेशनलिस्ट मीन्स इंडियन के जो नेशनलिस्ट इंडियन लीडर्स जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया जब ब्रिटिश पीरियड में.
The next is one example of the arbitrariness that continued to exist as a part of British law is the Sedition Act of 1870. तो अभी तक arbitrary का एक और example दिया है, मतलब बहुत ज़्यादा common example वो है Sedition Act of 1870. So यहाँ पे इसके meaning दिया गया एकदम last में. So let's see that. Sedition. Here it is said that in such cases the government does not need absolute evidence in order to arrest a person. Means Sedition Act मतलब ऐसा था कि government को means proper evidence, proper सबूत की ज़रूरत नहीं है कोई भी person को means arrest करने के लिए. तो बिना सबूत भी वो क्या है person को arrest कर सकते थे. वो क्या था? Sedition Act of 1870. Then next is the idea of sedition was very broadly understood with this act. तो इस act आप समझ ही गए कि बहुत ज़्यादा सेडिक्शन एक्ट हुआ था. देन एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल. अगर कोई भी पर्सन ने जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई, ठीक है, तो उसको बिना कोई भी ट्रायल के उसको मतलब जेल में डाल दिया जाता था, अरेस्ट कर लिया जाता था बिना कोई ट्रायल के. देन इंडियन नेशनलिस्ट बिगेन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग दिस आर्बिट्री यूज ऑफ अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश. देन फिर इंडियन नेशनलिस्ट ने क्या किया, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट, इस मीन्स सेडिक्शन एक्ट ऑफ 1870 के खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी किया. देन दे ऑल्सो बिगिन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वालिटी. फिर उन्होंने किसके लिए फाइट की? इक्वालिटी के लिए, कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो. एंड wanted to change the idea of law means और जो उन्होंने law बनाया था उसका idea वो change करें. That they were forced to obey, मतलब उनको obey नहीं करना था तो भी उनसे करवाया जाता था forcefully. Then to law as including idea of justice, ठीक है, ऐसा law होना चाहिए जिसमें justice हो, जिसमें न्याय मिले सबको. By the end of the 19th century the Indian legal profession also began emerging and demanded respect in colonial courts. तो अभी means 19th century के एंड में आते आते क्या हुआ, जो इंडियन प्रोफेशंस, इंडिया का जो भी प्रोफेशन था तो धीरे धीरे इमर्ज होके आने लगा, ठीक है. फिर उन्होंने मींस इंडिया ने अपने लिए आवाज़ उठाई कोर्ट वगैरह में. देन दे बिगेन टू यूज़ लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ इंडिया. तो फिर उन्होंने लॉ यूज़ किया ताकि वो इंडिया के जो राइट है उसको बचा सके, उसको डिफेंड कर सके, उसको प्रोटेक्ट कर सके. इंडियन जजेस ऑल्सो बिगेन टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन मेकिंग आइडियाज़. फिर इंडियन जजेस ने इसके लिए भी मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने निभाया इसमें, ताकि इनके डिसीजन क्या है, प्रोटेक्ट कर सके. देयरफॉर देयर वर सेवरल वेज इन विच इंडियंस प्लेड अ मेजर रोल इन द evolution of the rule of law during the colonial period. So यहाँ पे बताया गया कि ऐसे बहुत सारे ways थे जिसमें इंडिया ने मतलब बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया evolution of the rule of law during the colonial period, ताकि ब्रिटिश के पीरियड में जो रूल ऑफ लॉ वो आ सके, ठीक है, उसको मतलब बहुत ज़्यादा evolution किया गया. The next is that with the adoption of the constitution, this document served as the foundation on which our representative began making laws for the country. तो जैसे ही constitution को adopt करते गए उसके हिसाब से हम लोग law follow करते गए, तो government जो थी at the foundation which our representative, जो हमारे representative थे, तो उन्होंने भी laws बनाना start कर दिया country में. Every year our representative passed several new laws as well as amend existing ones. तो मतलब हर साल जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव वो बहुत सारे नए नए लॉज बनाते थे और जो पुराने हैं तो उनको अमेंड करते थे, ठीक है, मींस उनको पहले से बेहतर बनाते थे. इन योर क्लास सिक्स बुक यू रेड अबाउट द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005. तो क्लास सिक्स में आपने हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के बारे में पढ़ा होगा. एंड अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ, तो ये नया लॉ जो आया था तो सन्स डॉटर्स एंड द मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी. मीन्स चाहे वो बेटा हो या बेटी हो या फिर मदर हो, तो उन तीनों को इक्वल शेयर मिलेगी. मीन्स फैमिली की जो प्रॉपर्टी है, अगर फादर की डेथ हो जाए तो तीनों को इक्वल शेयर मिलेगी. देन सिमिलरली न्यू लॉज हैव बीन इनेक्टेड टू कंट्रोल पॉल्यूशन एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट. तो ऐसे बहुत सारे नए लॉज बनाए गए जिससे हम लोगों को मीन्स एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर पॉल्यूशन को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. हाउ डू पीपल कम टू थिंक एंड प्रपोज दैट अ न्यू लॉ इज़ नेसेसरी. तो कैसे लोगों को
लगता है कि हम जो नया लॉ है, न्यू लॉ है, वो नेसेसरी क्यों है. यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन. तो इसके ये जानने के बारे में, ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट सेक्शन और पढ़ना पड़ेगा. सो नेक्स्ट इज हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, कि नए लॉज जो है वो आते कैसे. देन हियर इट इज दैट द पार्लियामेंट हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज. पार्लियामेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है लॉज बनाने में, क्योंकि लॉज कौन बनाती है, गवर्नमेंट ही. देन देर आर मेनी वेज थ्रू विच दिस टेक्स प्लेस एंड इट इज ऑफन डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी दैट रेज द नीड फॉर अ पार्टिकुलर लॉ. ऐसे बहुत सारे वेज है जिसमें क्या है, मींस बहुत सारे वेज है जिस तरीके से, मतलब सोसाइटी के जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं वो अपनी वॉइस क्या है रेज करते हैं. कोई भी अगर उनको नया लॉ अगर चाहिए, न्यू लॉ अगर चाहिए कोई भी कम्युनिटी को, तो दे रेज देयर वॉइसेस. एंड एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ पार्लियामेंट इज टू बी सेंसिटिव टू द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल. तो अभी गवर्नमेंट का रोल क्या है इसमें, कि कोई भी अगर अगर लोगों को, अगर सिटीजन को कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, फेस करनी पड़ रही है, तो गवर्नमेंट उसे सॉल्व करे और उसके लिए एक न्यू लॉ बनाए. लेट अस रीड द फॉलोइंग स्टोरी टू अंडरस्टैंड हाउ इशू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस वॉज ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ पार्लियामेंट एंड द प्रोसेस अडॉप्टेड फॉर द इशू टू बिकम लॉ. तो इसके लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी है जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस का इशू है और उसके लिए पार्लियामेंट ने कैसे उनकी मीन्स कैसे वुमेंस ने वॉइस रेज की और कैसे पार्लियामेंट ने उसके लिए एक न्यू लॉ बनाया. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू रीड दिस. दिस इज अबाउट द व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस. Then basically domestic violence generally refers to the injury or harm or threat of injury or harm caused by an adult male, usually by the husband against his wife. तो domestic violence क्या है, means अगर कोई भी woman को injury, harm या चोट पहुँचाना है, कौन, by the adult male, means by the husband. So that is domestic violence. Injury may be caused by physically beating up the woman or by emotionally abusing her. Means injury कैसे हो सकती है, फिर मारपीट के हो सकती है, फिजिकली हो सकती है एंड इमोशनली भी हो सकती है, बाय अब्यूजिंग हर. देन अब्यूज ऑफ द वुमेन कैन इंक्लूड, अभी अब्यूज में क्या आता है, वर्बल, सेक्सुअल एंड इकोनॉमिक अब्यूज, कोई भी अब्यूज हो सकता है. देन द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एक्सटेंड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म डोमेस्टिक टू इंक्लूड ऑल वुमेन हु लीव और हैव लिव्ड टुगेदर इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड विद द मेल मेंबर्स हु इज perpetrating the violence. प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन के लिए नया लॉ इनेक्ट किया गया था, नया लॉ बनाया गया था. उस लॉ का नाम क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005. तो ये डोमेस्टिक मीन्स यहाँ पे क्या है, जिसमें मीन्स वुमेन इंक्लूड हो रही है कि वो कहाँ रह रहे हैं, मीन्स मेल से उनको प्रॉपर जो प्रॉपर्टी है वो मिल रही है कि नहीं, तो वो सब इंक्लूड करता है. एंड हु इज पेट्रेटिंग द वायलेंस, सो हु इज पेट्रेटिंग द वायलेंस. पेट्रेटिंग मीन्स जिसने क्राइम कमिट किया है. देन दिस इज all about the domestic violence. The next is a story of domestic violence, how a new law is enacted. So let's start, that is October 2006. Start kab hui, October 2006. Then these these females were discussing that Shazia, did you read today's newspaper, isn't it a great day for women. To jaise ye bolti hai that Shazia, कि तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा, आज एक सबसे बड़ा दिन, सबसे अच्छा दिन है वुमेंस के लिए. फिर शाजी क्या बोलती है, नॉट जस्ट वुमेन, सिर्फ वुमेंस के लिए नहीं, वॉयलेंस फ्री होम्स विल बेनिफिट एवरीवन. ये मींस उन घरों के लिए भी जहाँ पे वॉयलेंस, डोमेस्टिक वॉयलेंस होता है, उन सब के लिए भी है. कुसुम, इट्स टेकन सच अ लॉन्ग टाइम टू गेट दिस लॉ पास्ड. मीन्स फिर ये बोलती है कुसुम से कि मतलब ये लॉ पास होने के लिए इतना टाइम लगा. इन फैक्ट इट बिगिन विद एस्टैब्लिशिंग द नीड फॉर अ न्यू लॉ. इसलिए जो न्यू लॉ है उसको एस्टैब्लिश करना एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है. देन हियर इट इज सेड दैट कुसुम एंड शाजिया वर्क फॉर वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन. ये कुसुम और शाजिया ये दोनों ही क्या है, वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है. देन दे रिमेंबर द जर्नी ऑफ हाउ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक एक्ट गॉट पास्ड. तो उन्होंने जर्नी सफ़र की है कि डोमेस्टिक वायलेंस की, उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस सफ़र किया है कि मीन्स इसलिए उन्होंने क्या है, गवर्नमेंट के थ्रू एक वॉइस रेज की थी ताकि वो एक न्यू लॉ पास करवा सके. सो लेट्स सी उनकी जर्नी क्या क्या थी. यानी 2006 अक्टूबर 2006 की बात है. लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी.
So here that is April 1991, a typical day at the office. So ye office mein day tha. That here it is said that I need advice. Then I need advice means मुझे एक सलाह चाहिए. My husband beats me up. मेरा जो husband है मुझे मारता है. Then I haven't told anyone so far. मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया. I feel so ashamed. मुझे बहुत means बताने में बहुत शर्म means बहुत guilt feel होता है. बहुत शर्म आती है इसलिए. I can't go on like this anymore. मैं ऐसे ही और नहीं चल सकती. But I have nowhere to go. But मेरे पास रास्ता ही क्या है. मैं कहाँ जाऊँ. Then here it is said another woman is saying that I am being ill-treated by my son and daughters-in-law. मीन्स मेरे को इल्ट्रेट किया जाता है बहुत ज़्यादा. मीन्स मारा जाता है पीटा जाता है. मीन्स सन इन लॉ बाय द डॉटर इन लॉ. ठीक है. दे वर्बली अब्यूज मी. वो मुझे गाली भी देते हैं मारते भी हैं. एंड आई हैव नो एक्सेस टू माय बैंक अकाउंट्स. और मेरे बैंक अकाउंट में भी मुझे कोई एक्सेस नहीं दिया उन्होंने. दे मे इवन थ्रो मी आउट. वो मुझे बाहर भी निकाल देंगे एक ना एक दिन. घर से बाहर भी निकाल देंगे. देन हियर इट इज नेक्स्ट इज केस दिस वन. सो दिस इज सेइंग आई डू नॉट want to go to the police. मुझे पुलिस के पास नहीं जाना है. I just want to stop the violence. मुझे सिर्फ ये जो violence है उसको stop करना है. Then here it is she is saying that I just don't want to be thrown out of the house I'm living in. मैं नहीं चाहती कि मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दिया जाए जहाँ पे मैं रह रही हूँ. Then here unfortunately the existing laws is a criminal one and does not offer these options. अभी unfortunately जो अभी law है तो अभी जो फिलहाल laws है ठीक है तो उसमें तो ऐसा कोई option नहीं है. ठीक है. तो ऐसे इनको बताया जा रहा है तो इनको कितना डोमेस्टिक वायलेंस सफर करना पड़ रहा है ये दिखा जा रहा है. फिर उन्होंने कैसे वॉइस जो है रेज किए. सो लेट्स सी दैट. Throughout the 1990s, the need for a new law was raised in different forums. मतलब 1990s में क्या है जब नए लॉ की ज़रूरत थी तो उन्होंने कैसे means किन किन फॉर्म से ठीक है किन किन फॉर्म से उन्होंने अपनी वॉइस रेज की. सो इधर आपको दिखाया दैट पब्लिक हियरिंग इज सेट. मीन्स पब्लिक मीन्स ऑल पब्लिक. And hearing means they are raising their voice. So let's see what they was what they are saying. We have heard testimonies of several women. Testimonies means हम लोग बहुत सारी women का दुख दर्द domestic violence बहुत लोगों का सुना है. But we have seen that women want protection against being beaten, the right to continue living in a shared household and often temporary relief. Means हमने ये भी देखा है कि women को means protection चाहिए. Means उसको कोई मार रहा है by the adult male by their husband. उनको कोई मार रहे हैं बीट कर रहे हैं सन इन लॉज मदर इन लॉज सिस्टर इन लॉज डॉटर वगैरह एंड ऑल दैट. ठीक है. तो वुमेन वांट अ प्रोटेक्शन कि जो मीन्स उनके जो उनके राइट भी उनको राइट्स भी चाहिए अपने की प्रॉपर्टी पे शेयर्ड हाउस होल्ड पे और एक टेम्पररी रिलीफ मीन्स एक राहत भी चाहिए उनको उनसे. देन वी नीड अ न्यू सिविल लॉ टू एड्रेस दिस इशू. तो इसके लिए हमें एक नया सिविल लॉ ठीक है एक नया लॉ चाहिए ताकि हम इस इशू को रेज कर पाएँ. Then next here it is in 1999 lawyers collective a group of lawyers law student and activist after nationwide consultation took the head and drafting the domestic violence prevention and protection bill. So यहाँ पे बताया गया है कि 1999 में जो lawyers है lawyer collective क्या है एक group है lawyers का जहाँ पे law student और activist सब हैं. ठीक है पूरे nationwide पे all worldwide nation सब है यहाँ पे. Then consultation took the lead to draft the domestic violence. So उन्होंने ये lead लिए ताकि ये जो means domestic violence से क्या है ये नहीं होने means इसको stop करेंगे. Then this draft bill was widely circulated. तो इसको ये circulate होने में बहुत time लगेगा. But now one of the women is saying that the definition of domestic violence should include physical, economical, sexual and verbal and emotional abuse. तो कोई भी अगर domestic violence के definition के मतलब actually होता क्या है इसमें physical, economical, sexual, verbal and emotional abuse सब कुछ included है. Then other by this other woman is saying that the law should cover any woman living with a shared domestic space. Means हर woman को कोई भी एक स्पेस दिया जाए रहने का. देन दे शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग एविक्टेड फ्रॉम द शेयर्ड हाउसहोल्ड ताकि उन्हें कोई भी घर की प्रॉपर्टीज उनके राइट उनसे छीन ना लिया जाए. उनसे एविक्ट मींस उनको राइट से बाहर उनकी शेयर्ड प्रॉपर्टीज से उनको बाहर ना निकाल दिया जाए. देन वन ऑफ द वुमेन इज सेइंग दैट व्हाट अबाउट सम मॉनेटरी रिलीफ. मींस मॉनेटरी रिलीफ मींस अभी जैसे ये इतना सब कुछ हो गया डोमेस्टिक वायलेंस स्टॉप हो गया तो अभी उनको पैसे देने के लिए मींस घर कैसे चलेगा पैसों से. मॉनेटरी रिलीफ उनको कैसे मिलेगा मींस रिलीफ from the money.
Then next is the story isn't finished. Here it is told more that meetings were held with different organizations. तो ऐसे meetings क्या है, दूसरी दूसरी organization के साथ और meetings वगैरह की गई थी. So then the women's movement want a new law on domestic violence. The government should introduce it in parliament soon. Means a woman's को एक नया law चाहिए domestic violence के लिए, ताकि जो government है ये एक new law introduce कर पाए. Then after that next it is said that finally the bill was introduced. I think so. After that next is there. No, yeah. But finally the bill was introduced in Parliament 2002. तो अभी bill कब ये bill कब introduced हुआ था? 2002 में एक bill introduced means एक law introduced किया गया था government से. वो क्या था? Now this is talking about that bill. That this bill has none of what we have been suggesting. इस bill में ऐसा तो कुछ है ही नहीं जो हम लोगों ने suggest किया था. And another woman is saying that we must oppose the bill in its present form. तो अभी हमें इसी वक्त present form में हमें इसको oppose करना चाहिए, इसके इसके opposite इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए. Let's have a press conference. हमें इसके लिए एक press conference बुलानी पड़ेगी. We could also start an online petition. कि हमें एक online petition करना पड़ेगा ताकि हम अपने suggestion वहाँ पे रख सकें कि हमें एक bill में क्या-क्या चाहिए. So now several women's organization National Commissions for Women made submission to the Parliamentary Standing Committee. तो जो parliamentary standing committee है तो बहुत सारी women's organization को बुलाया गया ताकि ये bill को means दूसरा bill बनाया जाए. तो then next year it is in the I think so parliament, okay, press conference, okay, it is in the press conference that estimated members of the parliamentary standing committee means कुछ members है parliament standing committee के. And the present bill must be changed. कि जो अभी का present bill है उसको change कर देना चाहिए. We do not agree with the definition of domestic violence being proposed. तो अभी जो domestic violence की जो definitions agree होनी चाहिए थी वो तो है ही नहीं इसमें. The law needs to provide for temporary custody of children. तो अभी इस law में मतलब children की custody भी होनी चाहिए कि बच्चा किसका होगा, mother or father. Okay, so that should also be included. Then after that, at a press conference in October 2006, first we are going to read this. Okay, in December 2002, the standing committee submitted its recommendations to the Rajya Sabha, and these were also tabled in the Lok Sabha. So 2002 mein kya jo standing committee thi, theek hai, to unhone ek recommendation, ek suggestion diya tha. To Lok Sabha mein aur Rajya Sabha dono mein. Then the committee's report accepted most of the demands of the women's group. Means उस committee की जो report थी बहुत सारे women's group से सहमत थे. Then finally a new bill was reintroduced in parliament in 2005. फिर एक bill means पहले तो 2002 में हुआ था, ठीक है, introduce हुआ था, फिर वो bill अच्छा लगा तो इसलिए उसको उसके लिए oppose किया सबने. तो इसलिए फिर वो 2005 में new bill आया. Then after being passed in both houses of parliament, फिर जब वो दोनों parliament के दोनों houses में pass हो गया, then it was sent to the president for his assist. फिर वो प्रेसिडेंट के पास गए कि उस बिल को पूरा अच्छे से पढ़े, उसको स्टैंप लगाए, अपने सिग्नेचर करे उसके असिस्ट के लिए. द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन 2006. अब 2006 में उसका इफेक्ट देखने के लिए मिला, ठीक है. उस लॉ का नाम क्या, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट. So अभी हमारी story complete नहीं हुआ है. So let's see this, that at a press conference in October 2006 की press conference, अभी वो 2005 में bill introduce हुआ, अब 2006 की press conference क्या है. Then what is this new law, अभी new law क्या है. Then this law is a first in recognizing a woman's right to a violence free home. Means ये पहला law है, ठीक है, जिसमें woman के सारे right included है, and provides a comprehensive डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. और वो डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन है जिससे हम सब एग्री करते हैं. देन दिस इज अ सिविल लॉ एम्ड एट प्रोवाइडिंग रिलीफ टू मिलियंस ऑफ वुमेन्स इंक्लूडिंग वाइव्स, मदर्स, डॉटर्स एंड सिस्टर्स अफेक्टेड बाय वायलेंस इन देयर होम्स. तो एक सिविल लॉ है जिसमें एक बहुत राहत मिलती है बहुत सारी मिलियंस वुमेन के लिए. उसमें वाइफ भी आती है, मदर, डॉटर, सिस्टर, सब लोग आते हैं, ठीक है, सारी वुमेन्स आती है जो जो मीन्स विच दे आर अफेक्टेड बाय द domestic violence in their homes.
Then next is this law is a very significant. Then one of the women is saying, Kusum, I think so she is. Now she is saying that this law is a very significant step because it recognizes ये law ही बहुत ज़्यादा important step है क्योंकि इसमें हमारी सारी properties means जो भी सारी उनका agreement है जो भी उनकी demands है वो fulfill है इसमें. The right of women to live in a shared house household की means women को right दिया गया है उनकी property पे. Women can get a protection order against any further violence. वुमेन को प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है डोमेस्टिक वायलेंस से. वुमेन कैन गेट मॉनेटरी रिलीफ टू मीट देयर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग मेडिकल कॉस्ट. तो मतलब यहाँ मींस वुमेन को मॉनेटरी रिलीफ भी दिया जा रहा है कि उनके एक्सपेंसेस मींस जो भी उनके खर्चे रहेंगे उसमें मेडिकल कॉस्ट भी आएगा. ठीक है, तो वो सब फुलफिल किए जा रहे हैं. देन नेक्स्ट हियर इट इज समबडी सेइंग व्हाई इज दिस एन इम्पॉर्टेंट लॉ. ये इम्पॉर्टेंट लॉ क्यों है? तो फिर इम्पोर्टेंट लॉ क्यों है किसी ने क्वेश्चन किया. नाउ कुसुम इज आंसरिंग. तो ये सब उसका आंसर था. The next, now begins another long journey. अभी इसके बाद एक बहुत लंबी जर्नी स्टार्ट होने वाली है. Then yes, now the government has to ensure that this law is implemented and enforced. अभी बस गवर्नमेंट को ये देखना है कि जो लॉ है वो अच्छे से फॉलो हो रहा है, अच्छे से सब उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं. Then next is, by this we are going to study in the next part. So we have completed the story which is about the domestic violence and the new law which is implied. See, तो 2002 में उसका बिल इंट्रोड्यूस हुआ था. ठीक है, 2002 में लॉ बना था बट उसको कट कर दिया क्योंकि इसमें कोई कुछ भी डिमांड्स नहीं थी जो वुमेन्स को चाहिए. फिर 2005 में बिल आया. ठीक है, 2005 और फिर इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया 2006 में. सो 2002 से इतने साल लगे. ठीक है, कि वुमेन्स को डोमेस्टिक वायलेंस सफ़र करना पड़ेगा. सो फ्रॉम देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन द नेक्स्ट पार्ट विच इज रिमेनिंग. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो. सो वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट पार्ट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सो बाय गाइज.